मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब भी छिंदवाड़ा जिले की 7 सीटें कांग्रेस के पाले में ही हैं। यहां बीजेपी का कोई जादू नहीं चला। इसी कारण बीते दिन पीसीसी चीफ कमलनाथ और छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ जीत पर कार्यकर्ताओं को आभार जताने पहुंचे थे। विधानसभा चुनाव की हार के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कमलनाथ अब पीसीसी चीफ और राजनीति से रिटायर हो सकते हैं, लेकिन इस बीच कमलनाथ के एक बयान ने सबको चौंका दिया। छिंदवाड़ा में उन्होंने कहा कि अभी मैं रिटायर नहीं होने वाला हूं। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा की जनता को धन्यवाद कहा और कहा कि मैं रिटायर नहीं होने वाला, आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगा। बीजेपी की सरकार बनी, देखिएगा कितनी बिजली के बिल आएंगे आपके। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चिंता मुझे नौजवानों के भविष्य की है। उन्होंने कहा कि आज के नौजवानों में एक तड़प है, वो ठेका नहीं चाहता, वो कमीशन नहीं चाहता, वो व्यवसाय का मौका चाहता है, वो अपने हाथों में काम करना चाहता है। इनका भविष्य अंधेरे में रहा तो आज नौजवान बिलख रहे हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है मेरे लिए। वहीं कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संकल्प लीजिए, जितने वोटों से कमलनाथ जीते थे उससे ज्यादा वोटों से इस बार मैं जीतूं। उन्होंने कहा कि आज से ही फील्ड में उतर जाइए, क्योंकि मोदी जी का भरोसा नहीं है, वो समय से पहले भी लोकसभा चुनाव करवा सकते हैं। हम लोकसभा में बीजेपी से बदला लेंगे। हालांकि एमपी में कांग्रेस ने जमे जमाए कमलनाथ को पीसीसी चीफ को हटाकर जीतू पटवारी को लाया था। इसके पीछे कुछ कारण है, क्योंकि इस बात को कोई मान नहीं सकता। भले ही कमलनाथ के पास पार्टी का कोई बड़ा पद ना हो, लेकिन इतना तो है कि एमपी कांग्रेस में उनका प्रभाव रहेगा ही। कांग्रेस ने बीच का रास्ता निकाला है, ये कह सकते हैं, जीतू पटवारी को कमान सौंप कर। उसके अपने कुछ कारण भी हैं, और सबसे अहम बात यह कि कमलनाथ के बजाय अगर जीतू पटवारी एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं तो कैसे वोट बैंक को वो मैनेज करेंगे, वो हम आपको इस रिपोर्ट में बताने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बड़ा बदलाव किया है। कमलनाथ को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और जीतू पटवारी को नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। कांग्रेस ने युवा चेहरों को मौका दिया। जीतू पटवारी किसी भी खेमे में नहीं है, ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट माना जाता है। हालांकि उनका झुकाव ये कहा जाता है कि कमलनाथ की ओर है। राहुल गांधी के वो करीबी माने जाते हैं, हालांकि इस बार राऊ विधानसभा सीट से वो अपना चुनाव हार गए थे, अपनी सीट बचा नहीं पाए। पटवारी ओबीसी वर्ग से आते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए कांग्रेस ने नया प्रयोग किया है। 5 कारण ऐसे हैं जिससे हाईकमान ने राहुल गांधी के करीबी जीतू पटवारी को इतने बड़े मध्य प्रदेश की बागडोर सौंप दी, अध्यक्ष बना दिया। जीतू पटवारी की छवि मध्य प्रदेश में तेज तर्रार नेता की है। जीतू पटवारी संगठन की पसंद हैं, गुटबाजी से दूर रहते हैं, राजनीति में जो युवाओं को उनकी जो लाइन और लेंथ है वो पसंद आती है। जीतू पटवारी को मौका देकर कांग्रेस ने युवा नेतृत्व को मौका दिया। कमलनाथ को 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। कमलनाथ के नेतृत्व में 2 बार चुनाव लड़ा गया, लेकिन 1 बार हार और 1 बार जीत मिली। कांग्रेस को एमपी के लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। कमलनाथ की राजनीति अग्रेसिव नहीं है, जबकि जीतू पटवारी अग्रेसिव राजनीति में काम करते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव को फोकस करते हुए उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए जीतू पटवारी को जिम्मेदारी दी है। जीतू पटवारी ओबीसी का बड़ा चेहरा है। आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए कांग्रेस ने उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। कांग्रेस अक्सर गुटबाजी की खबरों से ही परेशान रहती है, भीतर खाने उनकी परेशानी यही है। एमपी कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का एक गुट है, लेकिन जीतू पटवारी किसी भी गुट का हिस्सा नहीं माने जाते। ऐसे में जीतू पटवारी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एकजुट कर सकेंगे, ऐसी बीजेपी के प्रति कांग्रेस की कोशिश है कि हो सकता हो ये बीजेपी के जो प्लान्स हैं उस पर पानी फेर सकें। बीजेपी अक्सर युवाओं को मौका देती है, वही लाइन और लेंथ कांग्रेस ने संभाली है। ऐसे में कांग्रेस इस बार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस भी युवाओं को मौका देती है। कांग्रेस जीतू पटवारी को जिम्मेदारी देकर ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वंशवाद की राजनीति से अलग वो युवाओं को मौका दे रही है। भले ही इन कारणों से कांग्रेस ने जीतू पटवारी को एमपी की कमान सौंपी है, लेकिन फिर भी अभी कमलनाथ कह चुके हैं कि वो रिटायर नहीं होंगे। इसका मतलब साफ है कि आगे भी एमपी की राजनीति में एक मजबूत दखल के साथ वो दिखाई पड़ेंगे, और पार्टी का कोई बड़ा पद उनको मिले या ना मिले, लेकिन उनका दखल लगातार पार्टी में रहेगा। अब जिस तरह से ये बड़े कारण जो कि कमलनाथ की तुलना में जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाने के लिए पक्ष में आए हैं, इस पर कितना काम जीतू पटवारी कर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जिस तरीके की तैयारी कांग्रेस ने की है, जो एक्शन कांग्रेस ने लिया है, अगर वो दूसरे राज्यों में इस तरीके के एक्सपेरिमेंट प्रयोग करती है तो निश्चित तौर पर लोकसभा में उसको फायदा हो सकता है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त, लोकसभा का चुनाव और उसका परिणाम बताएगा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।